कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ परतापुर थाने के निकट शराब के सेल्समैन से करीब 2 लाख रुपए लूटने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर 1 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार 2 बदमाश ग्राम अचरौंडा थाना प्रतापुर के रहने वाले हैं, जबकि 3रा बदमाश ग्राम प्रतापुर में रहता है। दरअसल 13 अगस्त को प्रतापुर फ्लाईओवर के पास से 3 नकाबपोश बदमाशों ने मोपेट सवार शराब ठेकेदार के सेल्समैन राजेंद्र से 1,94,000 रुपए लूट लिए थे। आज SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों में वरुण, हैप्पी और अमन शामिल हैं। वरुण और हैप्पी ग्राम अचरौंडा के रहने वाले हैं, जबकि अमन ग्राम प्रतापुर का निवासी है। लूट की इस घटना को तीनों बदमाशों ने किस तरह से अंजाम दिया, SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह डिटेल में बताया, सुनिए। सर, एक लूट की घटना खुलासा हुआ है, किसके साथ लूट की घटना हुई थी और किस तरह से खुलासा किया गया? देखिए, 13 अगस्त को थाना ब्रह्मपुरी CO ब्रह्मपुरी थाना पड़तापुर थाना पड़तापुर है ना। सर, एक लूट की घटना खुलासा हुआ है, किस तरह से खुलासा हुआ और घटना क्या थी? देखिए, 13 अगस्त को रात करीब 9:45 के आसपास थाना प्रतापुर क्षेत्र में एक सेल्समैन के साथ लूट की घटना कारित हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए CO ब्रह्मपुरी के निर्देशन में SOG और थाना प्रतापुर की टीम लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 3 अभियुक्त जो जिनका नाम वरुण, हैप्पी और अमन है, ये गिरफ्तार किए गए हैं तथा एक व्यक्ति जिसका नाम दीपू है वो अभी फरार चल रहा है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि करीब 5-6 दिन पहले, घटना के 5-6 दिन पहले अमन और हैप्पी इन दोनों ने जो घटनास्थल वहाँ पे जो सेल्समैन है वहाँ पे शॉप की रेकी की थी और इन लोगों ने पाया कि करीब एक ही टाइम पे ये बार बार पैसे लेके निकलता था। उसके बाद 13 तारीख की शाम को ये लोग एक रेलवे फाटक के आगे ग्राउंड है वहाँ पे मिले हैं। वरुण जाके सेल्समैन जो रहता उस पर नजर रखा हुआ था, जैसे ही पैसा लेके सेल्समैन निकला उसने कॉल कर दिया है अमन को और उसके बाद ये तीनों व्यक्ति जो अमन, दीपू और हैप्पी हैं ये बाइक पे 2 डंडों के साथ बैठ के वहाँ ये सेल्समैन का थोड़ा आगे पीछा किया, उसको आगे रोक के उन्होंने उसको डंडे सवार किया तथा उसके पैसे लूट के ले गए। इसमें हमने टोटल 1,25,000 रुपये रिकवर कर लिए हैं और इन तीनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अभी विधि कार्रवाई की जा रही है। और कितनी घटनाओं को? देखिए, अभी जो शुरुआती पूछताछ के दौरान पाया गया इसमें हैप्पी है, उसके ऊपर 3/25 जो आर्म्स एक्ट है उसका मुकदमा पाया गया, बाकी तीनों का ही पहली बार अभी उनके ऊपर कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता जगह की। इसमें जो है ये लगातार एक ही सेल्समैन ऑलमोस्ट एक टाइम पे ही पैसा लेके बार बार निकलता था, तो ये लोग बार बार वहाँ जाते रहते, तो ये लोकल के रहने वाले हैं, ये अचरौंडा गांव के कुछ आसपास के गांव के। तो ये जब वहाँ से 5-6 दिन पहले रेकी की इन लोगों ने, उसके बाद ये लोग मिले वहाँ फाटक के आगे एक ग्राउंड है, 4 लड़के वहाँ पे मिले, वहाँ पे अपना सिगरेट विगरेट पिया, वहाँ पे अपना ये लोग खड़े होकर प्लान किया कि अब कैसे क्या करना है। वहाँ से इन लोगों ने वरुण को भेजा है वहाँ पे सेल्समैन की दुकान, वहाँ पे जो शराब की दुकान है वहाँ पे खड़ा होकर नजर रखने के लिए वहाँ ये गया है, वहाँ नजर रखा है इसने। जैसे वो निकला इसने कॉल किया अमन को कि वो निकल चुका है इसमें, और कॉल करने के बाद जो है जैसे ये तीनों लड़के अपना तीनों बैठे, हैप्पी, अमन और दीपू, ये बैठे, डंडा लिया इन्होंने हाथ में यहाँ पे, वहाँ गए, जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा उसको रोका इन्होंने, डंडे से वार किया, उसे मुक्का मारा इसको और उसके बाद ये इसको यहाँ से इसके पैसे लेके फरार हो गए। 44,500 रुपये प्रत्येक बंदे ने आपस में मतलब बांटे हैं इनका जो बताया, इनके द्वारा बताया गया। इसमें भी करीब 1,500 रुपये कुछ है हमारे पास, ये रिकवर 25 है, 1,25,000 रुपये ना, 1,25,000 रुपये रिकवर हो गए हैं। इसमें से एक व्यक्ति जो दीपू है वो अभी फरार है, तो उसको पकड़ने के बाद बाकी रिकवरी उससे की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।